हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं और फ्री में होस्टिंग, फ्री में डोमेन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड, आज मैं आपको ट्रस्टेड वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बढ़िया होस्टिंग देगी, वो भी फ्री में देगी और आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल को। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको फ्री में होस्टिंग चाहिए, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं और एक भी पैसा लगाना नहीं चाहते हैं या फिर पैसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ट्रस्टेड वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप फ्री में होस्टिंग ले सकते हैं। आपको पता होगा अगर होस्टिंग वगैरह लेंगे फ्री में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फुल सपोर्ट आपको मिलेगा एक साल के लिए। तो आपको अगर फ्री में होस्टिंग चाहिए तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा Amazon होस्टिंग। यहाँ पे लिखना है Amazon होस्टिंग और सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा Amazon होस्टिंग का। देखिए वेब होस्टिंग, Amazon वेब होस्टिंग सर्विस, और यहाँ पे AWS लिखा है, और यहाँ पे देखिए AWS.amazon.com/website, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये Amazon की होस्टिंग है और यहाँ पे फुल सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, फुल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। एक साल के लिए आपको फ्री में होस्टिंग दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छा सर्विस मिलेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे होस्टिंग के लिए आपको कैसे क्या करना होगा। देखिए अगर प्राइजिंग पे जाएंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे होस्टिंग आपको वर्डप्रेस के लिए और यहाँ पे ड्रूपवाल, जो मोला, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे PHP वगैरह ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। CMS आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वो भी फ्री में आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। कंप्लीट साइनअप यहाँ पे क्लिक कीजिए। और चूंकि मेरा अकाउंट अभी यहाँ पे है नहीं और मैं भी बना रहा था अभी अकाउंट, मुझे एक दोस्त ने बताया कि ये काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है और उन्होंने अपनी वेबसाइट को इस पर मूव किया है। जितने भी दोस्त हैं YouTube पे उनको बताइए कि ये काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है और काफ़ी फास्ट सर्विस दे रहा है और फ्री में होस्टिंग दे रहा है और एक साल के लिए। उसके बाद से कस्टमर केयर आपको हिंदी में सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप GMAIL ID और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल डालनी है, जैसे कि यहाँ पे 2 रुपये कटेंगे और ये आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है या फिर कार्ड डिटेल नहीं देना चाहते अपनी, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी फ्री में आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आना होगा 811codetmahindra.com। और यहाँ पे देखिए आएंगे तो आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, यहाँ पे 800 Kodak, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे देखिए आपका नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद से आधार वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल डिटेल और पिन सेट, और कंफर्म करके आपका एक कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि आपका ATM कार्ड होता है ना, उस तरह का आपका ये कार्ड मिल जाएगा। और फिर आप इस अकाउंट में अपना बैलेंस ऐड करके 10 रुपये 15 रुपये ऐड कीजिए और यहाँ पे इस कार्ड का डिटेल यहाँ पे भरिए और अकाउंट को वेरीफाई करके होस्टिंग ले लीजिए। ये तो बात हो गई होस्टिंग लेने के बाद से, आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको एक टॉप लेवल की डोमेन चाहिए जिससे कि अच्छा रहेगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ होस्टिंग और डोमेन, काफ़ी अच्छी वेबसाइट के बारे में आज रिव्यू कर रहा हूँ। आपको पता होगा Amazon काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल के लिए होस्टिंग आपने ले लिया है और अगर आपका एक्सपायर होने वाला है, एक साल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिन्यूअल कराएंगे तो पैसा लगेगा। बट मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा सजेशन कि आप Amazon पे फिर एक नया अकाउंट बनाइए, नए GMAIL ID से अपने पोस्ट का बैकअप लीजिए, अपलोड कीजिए। और यहाँ पे आपको 1 GB का रैम मिल रहा है और यहाँ पे 10 GB स्टोरेज मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये सर्विस हम लेने जाएं कहीं GoDaddy से या फिर किसी भी कंपनी से, तो आपको 2000 से 2500 रुपये देने होंगे एक साल के लिए, बट यहाँ पे फ्री में आपको एक साल के लिए मिल रहा है। और वही मैं आप बता रहा हूँ कि बैकअप बना करके आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके बैकअप बना के उस पर होस्टिंग फिर से एक साल के लिए फ्री में कर सकते हैं। आप खुद इनके कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आपको ये सजेशन देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आइए और यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद से आप इस पर वर्क कीजिए और उसके बाद से एक टॉप लेवल डोमेन चाहिए, तो यहाँ पर आना है AlibabaCloud.com। यह भी आपको पता होगा काफ़ी बड़ी वेबसाइट है और ये होस्टिंग वगैरह डोमेन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप .tech वाला डोमेन होता है वो फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाएंगे तभी आप फ्री में ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डोमेन पे आइएगा। डोमेन के अंदर आपको यहाँ पे डोमेन मिलेगा और यहाँ से आपको .tech वाला डोमेन सर्च करना है। टेक मी फास्ट लिखिए और यहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ देखिए फाइंड ए डोमेन, और डोमेन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपको .tech का चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए फ्री ट्रायल,
यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये $4 बता रहा है, जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे तो ये आपका यहाँ पे $4 नहीं बताएगा और यहाँ पे कार्ड कर लीजिएगा और इसको लेकर के दोनों को कॉन्फ़िगर सर्वर ऐड कर दीजिएगा और फिर अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आराम से होस्टिंग लीजिए। और ये होस्टिंग का यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पे लाइव अगर 100 या फिर 200 ट्रैफिक आएगा आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि अमेजन काफ़ी बढ़िया सर्विस देती है और होस्टिंग भी आपको 10 GB और 1 GB का रैम दे रही है, तो काफ़ी फास्ट होस्टिंग दे रहा है। यूजर मेरा यूज करता है, मेरा जो एक दोस्त है वो यूज करता है, बताया काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।